ये आइन के तहत असम्बली की प्रोसीडिंग में दखल नहीं दे सकते, उनकी कानून साजी में, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में, उनकी डेली वर्किंग में। झगड़ा इस लिए शुरू हुआ कि जब कोर्ट्स ने हमारी जो पिटीशन चली है तो बेस ये था, आप कौन होते हैं कि जब हमारी डेली प्रोसीडिंग में बताएं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता। कानून के तहत डेप्टी स्पीकर को जो मैंने इख्तियार उसके पास नहीं है, दिस पावर इज लाइज ओनली विद स्पीकर ऑफ द असेंबली। आगे वो डेलीगेट कर सकता है पावर, चाहे डिप्टी स्पीकर को करे, चाहे पैनल ऑफ चेयरमैन को करे। तो मैंने डिप्टी स्पीकर को किया, क्योंकि खुद मैं इलेक्शन लड़ रहा था। मैं स्टेप डाउन किया फॉर द सेक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब अगर कोई डिप्टी स्पीकर मिसयूज करता है और अदालत के गलत जोर के ऊपर, तो वो तो चैलेंज होना था, वो तो हाउस के अंदर नहीं होना। अब जब ये कोर्ट ने आर्डर किया कि नहीं जी डिप्टी स्पीकर ही करेगा, मेरी उन्होंने जितनी पावर्स थी वो सस्पेंड कर दी, जो कि इलीगल है। खैर वो कर दी, क्योंकि हम कोर्ट्स का एहतराम करते हुए मैंने ना पिटीशन की ना कुछ किया। उसके बाद असल जो झगड़ा हुआ है, जहाँ पे पुलिस जब से पाकिस्तान बना है, जब से पार्लियामेंट्री हिस्ट्री जो है वेस्ट मिनिस्टर वो लागू हुई है पार्लियामेंट के अंदर, आज तक पुलिस हाउस के अंदर नहीं आ सकती।